पता नहीं इन परिंदों की तरह मैं कब इस खुले आसमान के तले उड़ूंगी। मेरा भी एक सपना है, फाइटर पायलट बनना है मुझे। मुझे भी जानना है कि कैसा लगता है जब आप जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में हो तो। पर इन सब के चक्करों में मैं अपने फर्ज को कभी नहीं भूलूंगी। घंटों फाइटर जेट में मैं अपने देश की सरहदों की रक्षा करूंगी, वो भी पूरे शिद्दत से। अरे तुम रहना इन सरहदों की बेड़ियों में, मुझे तो ये पूरा जहां घूमना है। फिर चाहे वो आइफल टावर से पूरा पेरिस शहर हो, या वो नॉर्वे का मिडनाइट सन, या फिर कैंप नू में एल क्लासिको। पर इस बार रोनाल्डो को बहुत मिस करूंगी। कितनी बड़ी है ये दुनिया ना। जितनी बड़ी है उतनी ही अजीब भी। इसलिए तो मैंने अपनी एक अलग दुनिया बसा रखी है इन डायरी के पन्नों में। इन पन्नों में मैंने इंसान के हर एक भाव को कैद किया है, फिर चाहे वो अच्छे हो या बुरे। समाज के प्रत्येक रीति रिवाजों को मैंने इन पन्नों में कैद किया है, जिसे मैं जब चाहे जैसे चाहे बना भी सकती हूँ और मिटा भी। और किसी वक्त इस दुनिया को बनाने और मिटाने के चक्कर में तुम्हारी तबीयत नासाज हो गई ना, तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारा अच्छे से इलाज कर दूंगी। क्योंकि लोगों की देखभाल करने में जो सुकून है वो और किसी काम में नहीं। पता है जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, तो उसके आंखों में जो नूर होता है वो देखते ही बनता है, और उस खुशी के आगे दुनिया की हर खुशी फीकी नजर आती है। कितने मासूम और प्यारे सपने हैं ना हमारे। काश हम इस दुनिया में होते इन सपनों को मुकम्मल करने के लिए। क्या है बिल जिसको मैं पिछली 4 बार से भर रहा हूँ, और आज ये 5वीं बार है। अगर पिछली 4 की तरह ये भी लड़की हुई ना, तो इसको तो गिराऊंगा ही गिराऊंगा। और हाँ, तुम भी अपने रहने की जगह ढूंढ लेना। अरे क्या फायदा ऐसी औरत का जो सिर्फ लड़की ही जन्म। समझ में आ रहा है ना तुमको? शर्मा जी। हाँ आया। याद रखना जो मैंने बोला।